तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले सर्कल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम सर्कल की जनरल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि यदि कोई हमें पॉइंट गिवन है तो हम यह कैसे चेक करते हैं कि वह पॉइंट सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा या फिर सर्कल पर प्रेजेंट होगा। इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सर्कल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड उसकी इक्वेशंस के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। माना कि सी एक फिक्स्ड पॉइंट है और P1, P2, P3, P4 एंड P5 कुछ रैंडम पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि सी से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है, सच दैट CP1 इज इक्वल टू CP2 इज इक्वल टू CP3 इज इक्वल टू CP4 इज इक्वल टू CP5 एंड ये सभी कॉन्स्टेंट हैं। तो इन पॉइंट्स से पास करने वाले कर्व को ही हम सर्कल कहते हैं। दैट मीन्स सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट सी को सर्कल का सेंटर एंड इस कांस्टेंट डिस्टेंस को सर्कल का रेडियस कहते हैं। अब हम सर्कल की जनरल इक्वेशंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। XY प्लेन पर एक सर्कल कुछ इस प्रकार का है जिसका सेंटर सी है। माना कि इसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं। हम सर्कल पर एक आर्बिटरी पॉइंट p अज्यूम करते हैं जिसके की कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है। तब लाइन CP रेडियस r के इक्वल होगा जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां x1 को h के इक्वल लेते हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू h। x2 को x के इक्वल लेने पर x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x। इसी प्रकार y1 को हम k के इक्वल लिख सकते हैं एंड y2 को हम y के इक्वल लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करने पर हमें PC की वैल्यू यह मिल जाती है एंड वी नो दैट PC इज इक्वल टू रेडियस। तो इस प्रकार हमें यह इक्वेशन मिलती है जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो h एंड k हैं वो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड r सर्कल की रेडियस होती है। अब हम मान लेते हैं कि सर्कल को इस प्रकार शिफ्ट किया जाता है कि इसका सेंटर अब ओरिजिन हो जाता है एंड हम जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। इस केस में h की वैल्यू 0 के इक्वल एंड k की वैल्यू भी 0 के ही इक्वल हो जाएगी, जिससे हमें सर्कल की कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलती है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है, जहां सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर कंसीडर किया गया है। अब यदि हम इस जनरल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह मिलता है, जहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट्स इक्वल हैं। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि किसी भी कर्व के सर्कल होने के लिए यह कंडीशन है कि उस कर्व में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट्स इक्वल होने चाहिए। आई होप आपको सर्कल का बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ इक्वेशंस गिवन हैं और हमें यह चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर
एंड टेक 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कर्व के सर्कल होने के लिए जरूरी है कि उसके लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए। तो हम इन सभी में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट चेक करते हैं। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1 एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है 4। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 2 एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है 1। यहां भी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सेकंड पार्ट भी सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 3 एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट भी है 3। एंड हम यहां देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दोनों के ही कोफिशियंट इक्वल हैं। दैट मीन्स थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वह एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार यदि हम फोर्थ पार्ट में देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशियंट इक्वल नहीं है। इसलिए फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन है वह सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे चेक करते हैं कि कोई भी गिवन इक्वेशन सर्कल की है या नहीं।